रिड्यूस दैट। तो देखिए हम आपको बोले हैं कि 36 नंबर ब्लाउज बनाने के लिए 36 प्लस 4 लेंगे, यानी 40 इंच लेंगे। 40 इंच इसलिए लेते हैं क्योंकि चौड़ाई हिस्सा जो है ये वाला हमको चौड़ाई हिस्सा करते हैं, तो चौड़ाई हिस्सा जो है मेरा 10 पे होना चाहिए, तो हम 11 पे लिए हैं, इसलिए 11 पे लिए हैं ताकि हमारा ब्लाउज बाद में हम अच्छी कर सकें। और पीछे साइड हमारा पूरा 34 इंच है, तो पीछे पीछे हम बैक साइड लेंगे 16 पर, और तो आगे साइड लेंगे, फ्रंट साइड लेंगे 17 पर। ये है 17 पर। और कंधा के लिए 6 इंच लेंगे। बाजू के लिए 5.5 लेंगे, दोनों साइड हम 5.5 लेंगे। और गला के लिए हम 2.5 लेंगे, पीछे गला हम 10 पे लेंगे, आगे गला 4.5 लेंगे, टुक्की ज्वाइंट करने के लिए हम 12 लेंगे, टोपी के लिए 5.5 लेंगे। यहाँ से हमको टोपी ज्वाइंट होगा, यहाँ कंधा का, यहाँ कफिया से 3 लेंगे और गोलाई करेंगे। उसके बाद हम कट कर लेंगे, सेम इसी तरह कट करेंगे। उसके बाद ये टुकड़ी जिसमें ज्वाइंट होगा वो हमेशा तिरछा कटिंग करता है। ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज है, और फर्स्ट पार्ट में आपको बोल देते हैं कि ये 36 नंबर ब्लाउज है। पार्ट वन में आपको कटिंग करने बताते हैं, पार्ट टू में सिलाई करने बताते हैं। हमारा टुकी साइज है, ये कट गया है। अब चलिए टुकी काट लेते हैं। तो इस पर टुकी काटेंगे, तो
पहले हम देखिए टोपी के लिए नाप रखे हैं, वो वाला जो ब्लाउज आता है अक्सर शिकायत आता है जिसमें उसमें कटता है। हम जब भी बनाते हैं टोपी अलग से काट के ज्वाइंट करते हैं। ये हमारा टोपी जो है बहुत फिटिंग और फिनिश होता है। देखिए मेरा टुकी कट गया है, कितना अच्छा लग रहा है टुकी। और इसका नीचे वाला पार्ट कट कर लेंगे। नीचे वाला पार्ट के लिए ये हिस्सा लेंगे, ये देख सकते हैं। ये नीचे वाला पार्ट है टोपी का, उसके बाद बाजू को हम इस तरह कर लेंगे। और इस तरह कर लेंगे। साढ़े पांच पे ले लेंगे और इधर से अढ़ाई ले लेंगे। आप देख सकते हैं अढ़ाई ले लेंगे और उसके बाद गोलाई मिला लेंगे। उसके बाद हम कट कर लेंगे। इसको दोनों को बीचे बीचे इस तरह करके ज्वाइंट कर लेंगे। और उसके बाद ये हमारा हुक पट्टी हो गया। और गला के लिए हम तिरछा कट करेंगे। गला के लिए पट्टी काट रहे हैं। गला के लिए पट्टी जब भी कटेगा हमेशा तिरछा कट होगा। गला के लिए पट्टी कट गया है। उसके बाद कपड़ा को एक्स्ट्रा कपड़ा को हटा देंगे। इसके बाद ये वाला पीला वाला कपड़ा ले लेंगे। इसका ये अस्तर है। चलिए तब इसको हम कट करते हैं, कटिंग करने बताते हैं। तो ये वाला ऐसे रखेंगे, याद रखिएगा। इसको हम
और सबसे पहले हम बैक साइड काटते हैं। उसके बाद इस तरह कट कर लेंगे। उसके बाद इस तरह कर लेंगे। जैसे जैसे रखे हैं कपड़ा को वैसे वैसे कट कर लेंगे। ये वाला काट लिए हैं। उसके बाद हम बाजू ज्वाइंट करने बताएंगे। ये हमारा बाजू कट गया है। पार्ट निकल गया, उसको भी रख देंगे। अब रहा मेन पार्ट, तो इस एक पार्ट इसमें ग्रेड कर लेंगे, इसमें काट लेंगे।
पार्ट इसमें भी निकालना है। तो देखिए बहुत दिक्कत होता है निकालने के लिए, इस तरह करके हम देख के काटेंगे, जल्दबाजी में ब्लाउज नहीं काटेंगे, बहुत स्थिर से काटेंगे और होशियारी से काटेंगे, नहीं तो आपका ब्लाउज खराब हो जाएगा। अब रहा टुकी, तो एक टुकी मेरा इसमें कटा है निकलेगा, ऐसे दो टुकी नहीं निकलेगा। तो देखिए यहाँ कपड़ा खोल रहा है, दो टुकी इसमें कपड़ा नहीं निकल रहा। तो एक टुकी हमारा गला से निकलेगा और एक टुकी इसमें निकलेगा, और ये वाला इस पार्ट को ज्वाइंट कर देंगे। पार्ट को ज्वाइन करके बटन पट्टी निकाल लेंगे। तो देखें आप कितना आसानी से ब्लाउज हम काट लिए। आपको कटिंग करना कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना तो दम ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुँचेगा। और तरह तरह का वीडियो बनाए मैं, डिजाइन वाला, कढ़ाई वाला, सभी तरह का प्लेन वीडियो बना के आपके पास पहुँचेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो जरूर कमेंट करके बताएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक और चैनल का टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइब। तो आप प्लीज़ इतना तक पहुंचा दीजिएगा हमारे वीडियो को, इतने हमारे चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय।